अभी रात के 6 बज चुके हैं और हमारे टर्टल कल हम खेले हैं, ये हमारा पेटिंग टाइम है। ये इनके टर्टल के रहे हैं बेड बनाया है, मेरा बेबी मेरे पे, ये पिलो है और ये ब्लैंकेट्स हैं आज, और ये बच्चों की मुंह दिखाई। देखिए गाइस, ये देखिए मैंने रखा है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। देखिए गाइस, अभी मैं अभी फूड खिलाने वाला हूँ। इन्होंने बच्चों ने घर बनाया इनके। देखिए फिर भी इसने मेरी मामा से पाल दिया। देखिए देखिए ये काफी देर से मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, उसका पीछे मुंह करो, इसका मुंह आप की तरफ करो। देखें इसने फिर मुड़ के मेरी तरफ ही आना। ये देखो उसने वो मुड़ गया आपका वाला। इसका पता है, इसका बर्ड ये है। एक मिनट फ्रेंड, अरे हाँ वाले को आने दो, इसका घर का दरवाजा तो खोल ले पहले से। रिहाम गाइस खा रहा है, देखिए इनको भूख लगी हुई है। मेरा मन्नू भी खाए। ओह माय गॉड, ये चक्की मार दिया मुझे, मुझे डर लग गया। बड़ा लीजिए हमारा वीकली सामान आया है और बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। गाइस देखिए मैंने फूड चाट बनाई है चीज की। यहाँ देखें घर का काम हो चुका था, हाशिम जमल यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और आज अफनान की तबीयत ठीक नहीं है तो इधर हाशिम ने नमाज़ पढ़ ली है और अभी दुआ मांग रहा है। रेहाम लैपटॉप खेल रही है। रेहाम तो यहाँ अफनान बीमार है आज जी गाइस, मुझे बहुत सर दर्द कर रहा है, इसका सर दर्द कर रहा है और रात को सो भी नहीं पाई सही तरह से, तो अभी मैं इसको मेडिसिन दूंगी। और आज जो रेसिपीज हैं वो अफनान जो है वो नहीं बनाएगी, तो गाइस मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए मैं कौन सी गेम खेल रही हूँ, पानी पी लो ऊपर से। तो ये यहाँ पे रेहाम की कुछ गेम्स चल रही हैं। और अभी तबीयत कैसी है अफनान आपकी? थोड़ा पे मैंने ये अफनान के कपड़े निकाल दिए हैं और इसे मैं थोड़ी देर तक प्रेस करके दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो अफनान मेरी काफ़ी हेल्प करती है और ये बर्तन भी यही वॉश करती है, किचन भी यही साफ़ करती है, तो देखें हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो अफनान मेरा बहुत साथ देती है, तो जब ये बीमार होती है तो मैं इसको पूरा पूरा हेल्प करती हूँ। अभी मैं इसे कपड़े प्रेस करके थोड़ी देर तक दूँगी और ये साथ इसका ट्रोज़र है और ये शर्ट मैंने ली थी पाकिस्तान से, बहुत प्यारी ये शर्ट बनी हुई है, कुर्ता टाइप बना हुआ है, पीछे से इसकी लॉन्ग है और आगे से शॉर्ट है, तो ये ठीक है आपके लिए। गाइस ये 2 किलो गोश्त है और हमने इसको अभी वॉश कर लिया था। ये मटन का गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पुलाव की तैयारी हो रही है, चना पुलाव बन रहा है और यहाँ मैं दही बल्ले बना रही हूँ। ये मैंने बेसन लिया है, इसकी मैं कई दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ये 2 कप बेसन है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है और क्यूमन पाउडर भी 1 टेबलस्पून है और इसमें भी डालेंगे मीठा सोडा, 2 पिंच जाएगा मीठा सोडा, मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने कुकर रख दिया था, जो गोश्त आपको बताया था 2 kg वो गलाने के लिए रख दिया था, एक साइड पे चावल भी बन गए थे और ये अभी दही बल्ले बना रहे हैं, बल्ले जो है वो तल रहे हैं। जिस तरह पकौड़ों का बेसन लेना है वैसे सेम ले लेना है। तो ये हमारे बल्ले काफ़ी मैंने डाल दिए थे, थोड़ी ब्राउन हो गए हैं और अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे फिर नीचे से ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारी फेवरेट डिश है हमारे घर में। हाँ जी, ये साथ में पानी रखा हुआ था, जो जो बन रहे थे तो उसे मैं इस पानी में डाल दी थी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और ये मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, यहाँ मीठी चटनी बन रही थी
और साथ ये गोश्त गल चुका था, इसे मैंने 35 से 40 मिनट तक गलाया था। अभी इसमें ये योगर्ट ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार गोश्त बनता है। दूसरी तरफ हमारी मीठी चटनी बननी थी, यहाँ भल्ले भी मैंने सोख कर दिए थे पानी में, यहाँ पुदीने की चटनी भी बनाई थी, यहाँ साथ ही मैंने चने वाला पुलाव भी रेडी था हमारा, और जो भल्लों में मैं सैलेड डालती हूँ चनों का और प्याज टमाटर का, वो भी रेडी था। यहाँ मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला था, 1/4 टीस्पून हमने डाली थी हल्दी, 1 टीस्पून साल्ट ऐड किया था, 1 टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड किया था। ये सारे मसालों का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत ही यमी बनता है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से भूनना है, तो सारा मसाला जो है बोटियों के साथ लग गया है और बहुत ही यमी ये बोटियां बनी थी। तो बच्चों ने तो ऐसे ही खाया, तो हमारा पुलाव जो चनों वाला था वो ऐसे ही पड़ा रहा था, तो ये बोटियां सिर्फ बच्चों ने खाई थी। इन्हीं बोटियों का, छोटी छोटी बोटियों का भी बहुत अच्छा तिक्का बोटी बनती है, लेकिन मैं हमने जो बड़ी बड़ी बोटियों का बनाया था, यहाँ सारी चीज़ें मैं ले आई थी, दस्तरखान हमारा रेडी था और हमारे दही भल्ले हम बना रहे हैं। अभी योगर्ट ऐड किया था, काफ़ी इसे डाइल्यूट कर लिया था थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो ये पतला सा योगर्ट बन गया था। तो मैंने सिंपली पहले नीचे भल्ले डाले हैं, ऊपर इसके मैंने डाली थी योगर्ट। ये मेरे दही भल्ले मेरी पूरी फैमिली में बहुत ही फेमस हैं और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बाहर के भल्लों की नस्बत ये भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस रेसिपी को ज़रूर इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बन, इसी तरह ही अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अभी हमने इसमें जो भी चाट है, आलू हैं, चने हैं, टमाटर प्याज हैं, वो ऐड कर दें। मैं आलू इसमें ऐड नहीं करती, तो मैंने चने प्याज और टमाटर ऐड किए थे, और इन चनों और प्याज टमाटर में मैंने जो था चाट मसाला ऐड कर दिया था पहले से, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और साल्ट। अभी इसमें जाएगी ग्रीन चटनी, साथ ही मीठी चटनी। इन चटनियों का, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा ही मजेदार था, ज्यादा तौर तो इमली का ज्यादा मजा आया था। यकीन करें मैंने खाना भी बनाया था, मेरे बच्चों ने सिर्फ दही भल्ले खाए थे और ये बोटियां खाई थी, बाकी चावल हमारे पड़े रहे थे जो कि हमने शाम को यूज किए थे। बच्चों ने तकरीबन 10 मिनट में ये भल्ले खा दिए थे, इतने मजे के थे, यम्मी थे। और मीठी चटनी तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो मैंने बहुत ज़्यादा डाली थी। हाँ जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप ज़रूर मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने बनाए हैं कबाब, और उसकी रेसिपी को देखते हैं। यहाँ मैंने कीमा ले लिया था 1/2 kg और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, साथ ही ग्रीन चिली ऐड की थी, और 2 ग्रीन चिली थी और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट था। साथ ही ये तकरीबन स्मॉल ओनियन है जिसे मैंने चॉप कर लिया था, और अच्छी तरह से मैंने इसका पानी स्क्वीज़ कर लिया है। अभी ये लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून। ये कबाब बहुत यम्मी बनते हैं, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा प्लीज़। और अभी इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, साल्ट 1 टीस्पून, ये आपके जायके के मुताबिक डालिए। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया था मैंने, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे कबाब जी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमारे पास था कोरिएंडर पाउडर। तो ये है हमारे पास धनिया और पुदीना, जो कि छोटे छोटे जिनको मैंने कट कर लिया था। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये कबाब बहुत यम्मी बनते हैं।
फैट इसमें कीमे में थोड़ा कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा बटर मेल्ट करके ऐड किया था। तो आपके पास अगर फैट वाला कीमा है तो आप बटर ना ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैं इसे स्मोक दे रही थी कोयले का, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर कबाबों में आ जाता है। तो अभी इसे कोई सी भी शेप दे के, गोल या लंबी देनी है आपने शेप, तो वो दे के इसे तल लेंगे। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर है कोयलों का सारे कीमे में आ जाए, कबाबों में आ जाए। तो ये देखें, ये थोड़ा सा आयल है जो मैं हाथों पे लगा के इसे कबाबों की शेप दे दूंगी। यहाँ आप कबाबों को शेप दे लेंगे, गोल लंबी जो भी, ये मैं लंबी शेप दे रही हूँ। और आप इसे सीहों पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट सीहों के बना रही थी। अभी हम एक पैन ले लेंगे, ये मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप सिंपल पैन भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, शेल्फ फ्राई करेंगे तो ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। तो यहाँ सारे कबाब जो हैं वो इस पैन में रख लेंगे और तकरीबन 7-8 मिनट तक इसे आप टच नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे ये पकेंगे। अगर आप इसे पहले टच करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अभी सारे कबाबों को मैंने पैन में रख दिया था और तकरीबन 8 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 8 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो साथ ही हम अभी चटनी की तैयारी कर लेते हैं, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये पुदीना है और साथ मैंने ग्रीन चिली है ली है और 3 गार्लिक के पीस हैं। तो मैं हमाम दस्ते में ही इसकी चटनी बना लेंगे। यहाँ हमारे कबाब रेडी थे और बहुत ही यमी कबाब बने थे। अब ये क्या बना रही हैं? ये अफगान फ्राइज बन रहे हैं, आज गोल वाले हम फ्राइज बना रहे हैं इधर। और चिप्स वाले पे रात के 9 बज चुके हैं, यहाँ पे फ्राइज बन रहे हैं। यहाँ कुछ न्यू ट्राई हो रहा है, ये सोसेज हैं, हॉट डॉग भी बोलते हैं इन्हें। और ये मेरे पास चीज वाले सॉस, ये हमारे पास मोजरेला चीज है। तो थोड़ा डिफरेंट कुछ करते हैं, इन्हें कट कर लेते हैं। गाइस मेरी मामा मुझे ना कट करते प्लीज। अब पीछे जो है ठीक मामा, आपको छुरी लग गई मामा। आपके तो बहुत अच्छे फ्राइज बने, रात को मैं कितने टाइम से बना रही थी, मेरे ब्राउन हो ही नहीं रहे थे फ्राइज। बस थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़े से ना बारीक रखने थे पतले। तो ये साथ ये भी दिखाएं, हमने जो सॉसेज पे चीज लगाई है, सिंपली इस पे हम चाट मसाला ऐड कर देंगे, स्प्रिंकल इसे यमी बनाने के लिए, और थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे। इसे बनाया है, एक स्टिक लेनी है ऐसे, इसे मिडल में सॉसेज को रखना है और चीज ऐसे ऊपर लगा देनी है। ये मेरे बच्चों का, हस्बैंड का ये फेवरेट है। ये देखें, इस तरह सारी बना लेनी है। और ये मैं बनाया है 1 कप मैदा लिया है इसमें, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट डाली है, 1 टीस्पून साल्ट, और 2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है, और पानी डाल के ये मैं इसका बैटर बना लिया है। देखिए बैटर कुछ इस तरह का है, इस तरह देखें, ज़्यादा थिक भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब इसे पूरा इसमें डिप करना है। ऐसे करके लगाना है पूरा। अभी इस बैटर में डिप कर लेंगे। और ये मेरे साथ ब्रेड क्रम्ब रखे थे, तो इसमें भी इसे डिप करते जाएंगे। हाथ काफ़ी मैसी हो गए थे मेरे। अभी हम इसे फ्राई करेंगे, और सारे मैंने छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, इस तरह हम इसमें ऑयल में ऐड करते जाएंगे और सारे इस तरह बना लेंगे। यहाँ फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे और हमारे जो सॉसेज हैं वो भी रेडी हो गए थे। देखें कितने यमी लग रहे हैं। इसमें जो चीज़ की मैंने फिलिंग ऐड की थी वो तो बहुत ही एंड थी, और लाजवाब थी, और बहुत यमी बने थे।
और बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे और ये उनके फेवरेट हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाए थे। देखें अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितना चीज़ी लग रहा है।